इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेवल करने के लिए रेलवे पर निर्भर करती है। आसान से आरामदायक ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस के कारण इंडिया में रेलवे हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही है। लेकिन इंडियन रेलवे से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनकी जानकारी कई लोगों को नहीं है, और ना ही वो जानते हैं कि आखिर अगर वो लोको पायलट हैं तो उनकी सैलरी क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है और इसकी सैलरी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्टडी सेक्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पायलट का जो काम होता है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। लोको पायलट एक भारतीय रेलवे का पद होता है जिसमें नौकरी लगने पर लोको पायलट चलाना होता है, और ये ट्रेन भारतीय रेलवे की होती है। ये पद रेलवे विभाग में एक सरकारी पद होता है। ट्रेन में सवार यात्रियों की सुरक्षा का काम लोको पायलट पर ही निर्भर करता है, यानी कि काम जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। लोको पायलट के बारे में अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशंस की क्या होती है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो दोस्तों लोको पायलट बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपका 10th 12th पास होना जरूरी है। साथ ही आईटीआई 2 साल का डिप्लोमा लेना भी जरूरी है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इनमें से किसी एक ट्रेड का होना चाहिए। अगर आपके पास इन ट्रेड की बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने अगर बीटेक ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कर रखा है तो आप दे सकते हैं। मेडिकल क्वालिफिकेशंस में आपकी आंखों की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी आंखों का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें कमज़ोर नहीं हैं तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए 18 से 28 साल तक की एज रखी गई है। SC ST के लिए इसमें कुछ छूट दी गई है जो आप जान सकते हैं, जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा हम लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो बात करें कि आखिर इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो इसका एक रिटर्न एग्जाम होता है और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम होता है और एक मेडिकल टेस्ट होता है। आपके दिमाग में आएगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम कौन सा होता है। दरअसल लिखित परीक्षा यानी रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद आपको दूसरी परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में छात्र किसी प्रश्न का उत्तर कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कितना सटीक दे सकते हैं, इसका प्रशिक्षण किया जाता है। मतलब इस तरीके के सवाल किए जाते हैं कि आपका दिमाग कितना क्विकली उसका आंसर कर सकता है। इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपकी आंखों का टेस्ट देखा जाता है कि आपकी आंखों की रोशनी कितनी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लोको पायलट की सैलरी इंडिया में कितनी है। भारत में एक लोको पायलट की बहुत अच्छी सैलरी होती है। शुरुआत में लोको पायलट का पे स्केल जो है वो 5200 से 20000 के बीच होता है तथा 1900 रुपये उसका ग्रेड पे होता है। पूरा वेतन मिलाकर उसको 30000 के अप्रॉक्स या 35000 के अप्रॉक्स अमाउंट कुछ मिल जाता है। इसके अलावा लोको पायलट को बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। सीनियर लोको पायलट का जो सैलरी होती है वो 55000 से 60000 होती है, और अलग अलग रूट के हिसाब से इनकी सैलरीज भी अलग अलग होती है। अलाउंसेंस में इनको होम हाउस रेंट अलाउंसेंस, GNS अलाउंसेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस, ये सारे अलाउंसेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली है कि लोको पायलट को क्या सैलरी मिलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हमने कवर किया है कि आखिर लोको पायलट क्या होता है, लोको पायलट कैसे बने, लोको पायलट का पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगी है और इसी तरीके की वीडियोज़ अगर आप डेली जानना चाहते हैं तो आप स्टडी सेक्टर को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स, गवर्नमेंट एग्जाम के अपडेट्स, साथ ही नोटिफिकेशन, साथ ही बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट मिले, हर गवर्नमेंट एग्जाम की, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।